जय हिंद दोस्तों, यूपी ट्रिपलएससी पेट केस विजेता बेंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्काउंट के 5 प्रकार के प्रश्नों को और देखेंगे। इस प्रकार हमारा ये डिस्काउंट वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और हमारा प्रतिशत पूर्णतः खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में हम लोगों ने जनरल प्रतिशत पढ़ा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, क्योंकि ये भी प्रतिशत का ही भाग है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग इन 5 प्रकार के प्रश्नों को आज हल करते हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक जल्दी से खत्म हो जाए। हमारा पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 25%, 20% और 10% की कर में छूट पर बेचा जाता है। कोई वस्तु है, ठीक है, उसको 3 कर में छूट, पहला 25%, दूसरा 20%, तीसरा 10% की कर में छूट पर बेच दिया जाता है। यदि कोई ग्राहक उस वस्तु को 216 रुपए में खरीदता है तो ज्ञात कीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य यक्स रुपया है। ठीक है, माना वस्तु का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य कितना है, यक्स रुपया। ठीक, यक्स रुपया है। इसी यक्स रुपये पे 3 बार छूट दी गई, पहले 25% की दी गई, फिर 20, फिर 10। तो जब पहली बार 25% की वस्तु छूट दी गई तो वस्तु का दाम घटा के कितना हो गया होगा, जो उसका अंकित मूल्य था उसका 75%। ठीक, यही तो होगा। वही वस्तु है, मान लेते हैं कि कुछ भी रुपए की हो, 100 रुपए की हो, उस पर अगर 25% की छूट दी जाएगी तो वस्तु का नया दाम क्या हो जाएगा, उस वस्तु का मतलब जितना अंकित मूल्य था उसका 75% हो जाएगा। तो माना है कि वस्तु का अंकित मूल्य यक्स रुपया है, 25% की छूट दी गई तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य जो अंकित किया जाएगा वो हो जाएगा यक्स का 75%, 75/100। यही तो होगा, क्योंकि 25% की छूट दी गई। अब क्या कहा गया, अभी वस्तु बिक नहीं रही थी, अब इस पर एक छूट और दी गई, वो क्या है, 20% की। तो 20% की छूट देने के बाद अब वस्तु का नया मूल्य जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, लिखा जाएगा इतने का, टोटल का, ठीक है, इस पूरे का 80%। ठीक, 80/100। अब भी वस्तु बिक नहीं रही थी, दुकानदार ने क्या किया, 10% की एक्स्ट्रा छूट और दे दी। अब 10% की एक्स्ट्रा छूट इस पूरे पे लगेगी, क्योंकि 80% देने के बाद यही तो वस्तु पे नया मूल्य अंकित किया गया था, यक्स उसका ओरिजिनल अंकित मूल्य था, पहले 25% की छूट दी गई तो अब अंकित मूल्य ये हो गया था पूरा, जब 20% की और छूट दी गई तो पूरा अंकित मूल्य हो गया। अब इसी पर क्या किया गया, 10% की और छूट दी गई तो अब पूरा जो नया अंकित मूल्य हो गया 90/100 हो गया। यही जो था यही बराबर है कितने का, 216 रुपये, क्योंकि ग्राहक ने इसी पे सामान खरीदा है, दुकानदार ने इसी पर बेचा है। ये 216 रुपया क्या है, दुकानदार का सेलिंग प्राइस और ग्राहक का कास्ट। अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 काटेंगे, 25 × 75, 25 × 100, 20 × 80, 20 × 5 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे 4 को। ठीक है, अब इसको और हल करेंगे तो मान लेते 9 से काटेंगे तो 9 जाएगा ये कितनी बार, 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 36, 3 से काटेंगे तो 3 से काटने के बाद ये जाएगा 3 × 8 = 24, 8 बार। तो यक्स का मान हमारा हो जाएगा 8 × 10, 5 यहाँ 10 यहाँ, गुड़े 50, तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 8 × 45, 400 रुपये। ठीक, उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था, ओरिजिनल अंकित मूल्य था, वो कितना था, 400 रुपये। ठीक है, हमने निकाला कैसे, मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य यक्स रुपये है, पहला क्या किया गया, कर में छूट दी गई 25% की, तो मतलब वस्तु का जो दाम था हो गया उसके अंकित मूल्य का 75%। फिर जब जो नया मूल्य अंकित कर दिया गया, इस पर क्या किया गया, फिर 20% की छूट दी गई, तो इस पूरे नए अंकित मूल्य पे 20% की छूट दी गई, तो मतलब वस्तु का दाम हो गया इस पूरे नए अंकित मूल्य का 80%। अब 80% देने के, इस नए अंकित मूल्य को लिखने के बाद भी वस्तु बिक नहीं रही थी तो दुकानदार ने 10% की एक और छूट दी, तो इस पूरे नए अंकित मूल्य पर लगेगा, तो 90/10। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया, एक नया अंकित मूल्य यहाँ हो गया। ठीक है, तीनों छूट देने के बाद एक नया अंकित मूल्य यहाँ हो गया। यही जो नया अंकित मूल्य है, जो यही नया अंकित मूल्य है, ये किसके बराबर है, 216 रुपये के। अब इसको हमने हल किया, हमारा 400 रुपये आ गया। क्या ओरिजिनल अंकित मूल्य, ये क्या है, ओरिजिनल अंकित मूल्य। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 25%, 20% और 10% की समतुल्य छूट कितनी होगी। मतलब कोई वस्तु है जिसपे 25, 20 और 10 तीन प्रकार की छूट दी जाती है, तो तीनों को जोड़कर कितने प्रतिशत की छूट हो जाएगी,
तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 25 20 और 10 जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाए कितना, 25 20 45 10 55, ये गलत है ठीक। क्योंकि जो छूट दी गई वो कर्मिक रूप से दी गई, ठीक है, छूट जो दी गई है वो कर्मिक रूप से दी गई है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले वस्तु का दाम क्या है, 100 रुपये। जब 25% छूट दी गई तो वस्तु का दाम कितना हो गया, 100 का 75%, 100 का 75% ये हो गया नया दाम। लेकिन यहीं पे दुकानदार नहीं रुका, उस पर 20% की और छूट दे दी, तो अब वस्तु का नया दाम कितना हो गया, 80/100। जो ये पुराना दाम बना था इस पर 20% की और छूट दी, तो नया दाम हो गया इसका 80/100। लेकिन दुकानदार ने अब भी छूट दी कितने की, 10% की, तब नया दाम वस्तु का हो जाएगा 90/100। इसको पूरे को हल करेंगे तो वस्तु का क्या आ जाएगा, नया अंकित मूल्य, ठीक है, नया अंकित मूल्य। इसको हल करने के बाद आ जाएगा वस्तु का नया अंकित मूल्य। इसको हल करेंगे 25 या 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 0 से 0 काट देंगे, 4 से टोटल 4 पूरा चला जाएगा, ये 0 काट देगा इस 0 को, 5 से काटेंगे ये जाएगा 2 बार, तो नया अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा, कितना, 3 यहां 5 से हमने काटा था, 2 बार गया था, 2 × 3 × 9, ये अगर गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54, ठीक है। वस्तु बिका कितने में, वस्तु का जो नया अंकित मूल्य था 54 रुपये, नया अंकित मूल्य वस्तु का क्या हुआ, 54 रुपये। कहने का मतलब वस्तु बिका कितने में, 54 रुपये में, तो छूट कितना मिला, तो 100 से घटा देंगे, 100 रुपये वस्तु का दाम था, 100 - 54 तो आ जाएगा हमारा 46 रुपये, ठीक है, 46 रुपये की क्या हुई, छूट हुई। 100 पे 46 रुपये का छूट का मतलब हो जाएगा 46 जितना छूट है, जितने पे मिला गुड़े 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा 0 से 0 कट जाएंगे, 100 से 100 कट गया। कहने का मतलब 46% का छूट है, कहाँ पे सीधे जोड़ने के बाद हमारा 55% आ रहा था, लेकिन ओरिजिनल में क्या है, 46% की उस बस पे छूट है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कार्मिक छूट अगर दिया है तो उसका समतुल्य छूट निकाल लेते हैं। सबसे पहले उसका नया अंकित मूल्य निकाल लेंगे और उसी से 100 से घटा के उसका छूट वाला मूल्य, मतलब कितने प्रतिशत की छूट हुई उसको निकाल लेंगे जब उसका दाम ना दिया हो। 3 प्रकार के प्रश्न और देखते हैं, तीनों प्रकार के प्रश्न एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सी थोड़ी थोड़ी भिन्नता है कि निम्न में से कौन सी छूट अधिक लाभदायक है। यदि आपको कोई दुकानदार छूट देता है, बोलता है कि इस वस्तु का दाम 100 रुपये है और इस पे मैं आपको 3 छूट दूंगा, पहला 10% का, दूसरा 20% का, तीसरा 30% का, या तो आप ये ले लीजिए, या तो दूसरा ये है, पहले मैं आपको 20% का दूंगा, फिर 10, फिर आखिरी में 30 का दूंगा, चाहे आप इस पे लीजिए, चाहे पहले 30% का ले लीजिए छूट, फिर 10, फिर 20, तो इनमें से आपको जो चूज करना है आप चूज कर लीजिए, हम इसी पे आपको छूट देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे क्या इन तीनों को जोड़ने के बाद, ये जो 3 छूट दी जा रही है तीनों को जोड़ने के बाद समान अंक आ रहा है। तो हमने देखा 10 20 30 30 60, यहाँ भी 60 आ रहा है, 20 10 30 30 60, यहाँ भी 60 आ रहा है, यहाँ भी 60 आ रहा है, तो जोड़ने के बाद ये पता चला कि तीनों 60 आ रहे हैं, ठीक है, ये बात पता चल गई। फिर देखा कि क्या सभी अंक सब में समान है, 10 यहाँ है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 20 इसमें है, तो 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, और 30 यहाँ है, 30 यहाँ, 30 यहाँ। अगर ऐसा सभी चीजें मिल रही हैं तो कहने का मतलब आप चाहे जो छूट ले लीजिए, सभी से समान छूट हमें मिलेगा। जब तीनों का योग समान हो, तीनों या चारों पांचों जितने भी छूट दिए हो, और तीनों का जो प्रतिशत है छूट प्रतिशत वो भी समान हो, तो सभी से समान छूट मिलेगा, चाहे कर्म की अदला बदली चाहे जितनी कर दीजिए। वही बात यहाँ लिखी गई है, यदि दिए गए विकल्पों में छूटों का मान समान है, ठीक, और केवल इनके कर्म की अदला बदली की गई है, तो सभी से समान छूट प्राप्त होगा, ठीक, ये बात हो गई। एक प्रश्न और देखते हैं इसी से संबंधित, कि निम्न में से कौन सी छूट अधिक लाभदायक होगी। अब यहाँ भी छूट दी गई, लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 20 50 10 60, यहाँ 60 है, 28 13 19 जोड़ने के बाद यहाँ भी आ जाएगा हमारा 60, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 60, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 60। यहाँ पे तीनों छूट, चारों छूटों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है कि समान 60 60 अंक आ रहा है, ठीक। लेकिन क्या है,
यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं ये समान नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने देखा 10 है लेकिन इसमें 10 है ही नहीं। कहने का मतलब इनका जो छूट प्रतिशत है वो अलग अलग है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनका जो सबसे बड़ा मान है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। पहले में सबसे बड़ा मान क्या है 30, दूसरे में सबसे बड़ा मान क्या है 28, तीसरे में सबसे बड़ा मान क्या है 34, और चौथे में सबसे बड़ा मान क्या है 35। इनकी तुलना करेंगे, जो मान सबसे बड़ा होगा उसी में सबसे ज्यादा छूट हमें मिलेगी। इनमें सबसे बड़ा मान क्या है 37, तो 37% चौथे ऑप्शन से हमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। ठीक है, लेकिन यदि कहीं प्रश्न में ऐसा दिया हो कि ये तीनों के तीनों पहले वाले समान हो जाए तब क्या करेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी छूट अधिक लाभदायक है। अब यहाँ हमने देखा 30, 20, 50, 10, 60, सब में 60 60 है, ठीक है, जोड़ लेंगे सब में 60 ही आएगा क्योंकि प्रश्न ऐसे बना है। तीनों चारों में क्या है 60 60 आ रहा है। अब क्या कहा गया कि अब हम देखेंगे कि इनका पहला मान, देखेंगे कि पहला मान जिसमें सबसे बड़ा होगा वही सबसे ज्यादा छूट देगी। तो इसमें सबसे पहला मान सबसे बड़ा क्या है 30 है, तो हमने 30 रखा। इसमें क्या है, इसमें भी 30 है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में सबसे बड़ा मान क्या है 30 है, चौथे वाले में सबसे बड़ा मान क्या है 30 है। अब तो चारों में 30 हो गया, अब क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में रखेंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा मान देखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा मान इसमें क्या है 20 है, इसमें 22 है, तीसरे वाले में क्या है 17 है, चौथे वाले में क्या है 19 है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मान क्या है 22। तो इसी दूसरे वाले ऑप्शन से क्या होगा, हमें सबसे अधिक छूट मिलेगी, क्योंकि पहला समान है तो इससे मतलब ही खत्म हो गया। दूसरे में अंतर देखेंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी से हमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, वही बात यहाँ लिखी गई है। यदि दिए गए विकल्पों में छूटों का योग समान है तो विकल्पों के छूटों को अवरोही क्रम में लगा लिया जाएगा, और सभी विकल्प की पहली छूट से तुलना करेंगे। यदि पहली छूट समान निकलती है तो दूसरी छूट से तुलना करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मान होगा उससे सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज पांचों प्रश्नों को और देख लिया। इतने ही प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते थे, और अगला टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, विदा लेते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।